संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, दोनों सदनों में आज लाया जाएगा राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, लोकसभा में सुबह 11 बजे से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रस्ताव पर की जाएगी चर्चा। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र को करेंगे संबोधित, राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बोलेंगे। संसद सत्र के आखिरी दिन आज राज्यसभा में श्वेत पत्र लाएगी सरकार, यूपीए सरकार की नाकामियों को लेकर गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र हुआ था पेश। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन के कैंटीन में किया लंच, कई पार्टियों के सांसद भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच के टेबल पर मौजूद। पीएम मोदी ने लंच की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, भारत के अलग अलग इलाकों के सांसदों के साथ कैंटीन में लंच करना सुखद अनुभूति, सांसदों ने अच्छा अनुभव बताया। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगेगा एनएसए, उत्तराखंड के डीजीपी ने आदेश दिया। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा पुलिस वाले दंगे में हुए घायल। जमीयत उलेमा हिंद का डेलीगेशन आज जाएगा हल्द्वानी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। हल्द्वानी में फिलहाल कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट सर्विस और स्कूल कॉलेज अभी बंद। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने 5,000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, आज भी किसी को बरनपुरवा इलाके में जाने की इजाजत नहीं होगी। नगर निगम और पुलिस विभाग का आकलन, हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति हुई राख। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाके में लगातार दूसरे दिन सुरक्षा कड़ी की गई है, सुबह के वक्त भी दिखा बनफूलपुरा में सन्नाटा। वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से हो रही उपद्रवियों की पहचान, डीएम वंदना बोली, सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली होगी। हल्द्वानी दंगे को लेकर डीएम वंदना का दावा, थाने में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, छतों पर पहले से जमा किए गए थे पत्थर। हल्द्वानी में हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। बीजेपी सरकार और प्रशासन की फेलियर की वजह से भड़की हिंसा, सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हल्द्वानी हिंसा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, कहा प्रशासन और खुफिया तंत्र सतर्क होता तो घटना को रोका जा सकता था। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा कि हुकूमत दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। तौकीर रजा ने वीएचपी और बजरंग दल को बताया आतंकवादी संगठन, कहा हमारे नौजवान जवाब देंगे तो मुल्क के हालात खराब होंगे। तौकीर रजा ने सरकार पर उठाया सवाल, कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश, श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोगों को आई चोट। ज्ञानवापी को लेकर कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद की बंगाल यूनिट का प्रदर्शन, सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले कि सीएम योगी यहां आएंगे तो घेराव करेंगे। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम मोदी गुजरात में 1,30,000 से ज्यादा घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन भी करेंगे, पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए हैं मकान। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम का 180 से ज्यादा जगहों पर होगा आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल सहित गुजरात के मंत्री विधायक और सांसद होंगे शामिल। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा तेजी से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर काम करना तय किया, जिसके नतीजे आज दुनिया देख रही है। ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले प्रधानमंत्री, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है कि जितना पिछले 77 साल में नहीं हुआ, आप 7 दशकों और 1 दशक की तुलना कीजिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे, हमने 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी आज एनसीपी अजित पवार गुट में होंगे शामिल, कांग्रेस से इस्तीफा देने का किया था ऐलान। कांग्रेस छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी का राहुल पर निशाना, न्याय यात्रा करने की बजाय इंडी गठबंधन पर ध्यान देते तो बेहतर होता। लोकसभा सीट शेयरिंग पर बोले अजित पवार, बीजेपी शिवसेना के साथ बैठकर होगी चर्चा, जीतेंगे सभी 48 सीटें। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल की अटकलें, कुरुक्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति लगभग तय, बागपत और अमरोहा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है आरएलडी। आरएलडी को एक राज्यसभा सीट और एक केंद्र में 2024 में सरकार बनने पर मंत्री पद भी मिलेगा, यूपी में एक मंत्री पद और एक एमएलसी का पद भी दिया जाएगा। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से गदगद जयंत चौधरी, कहा मोदी सरकार ने दिल जीत लिया, उन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा किया। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर लगाई मुहर, बोले कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं, किसानों के हित की बात करती है मोदी सरकार। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना करोड़ों किसानों का सम्मान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, कहा कि हम बहुत पहले से मांग कर रहे थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लेती है हमारी सरकार, भारत रत्न ऐलान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ। मायावती ने काशीराम के लिए भी भारत रत्न की मांग की, कहा कि दलित सक्षेत्रों की उपेक्षा नहीं। बाला साहेब ठाकरे को भी मिले भारत रत्न, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और यूबीटी नेता संजय राउत ने की मांग। संजय राउत का निशाना, खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले पीएम मोदी फिर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को भूल गए। बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न की मांग पर बोली नवनीत राणा, महाराष्ट्र में उनका बड़ा योगदान रहा, जरूर मिलना चाहिए भारत रत्न। राजनीति से प्रेरित होकर भारत रत्न दिया जा रहा है महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। चुनावी एजेंडे के तहत बांटे जा रहे भारत रत्न, यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का निशाना। जातिवादी राजनीति से हुआ है देश का बड़ा नुकसान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। 5 साल से किसान स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू करने की कर रहे मांग, इस पर मोदी सरकार चुप क्यों, कांग्रेस का निशाना। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड
का ऐलान किया गया, जल्द सरकार करेगी, यंग जनरेशन के लोगों को सम्मान देगा। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, चुनाव आयोग के मुताबिक 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे, घर घर राशन स्कीम की लॉन्चिंग और थर्मल प्लांट के उद्घाटन में शामिल होंगे। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल आज से फिर भूख हड़ताल करेंगे, सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए 15 फरवरी को समय सीमा दी है, इसी के लिए बनाएंगे दबाव। झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने समन भेजकर आज पेश होने को कहा। राजस्थान में हिजाब पर विवाद का मामला, शिक्षा मंत्री बोले ड्रेस कोड के अलावा कुछ पहना तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस ने सुशासन महोत्सव में की शिरकत, बोले कि सुशासन हवा में ऑक्सीजन की तरह है, इसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती लेकिन गैर मौजूदगी मार डालती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले फडणवीस, समाज में भी ऐसा ही है, सुशासन से हमारा जीवन अच्छे से चलता है इसलिए हमें इसकी अनुभूति नहीं होती। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सीएम चंपाई सोरेन ने आबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को बांटे पत्र, कहा कि टूटे फूटे घर में कोई रहेगा नहीं रहेगा, सभी को बढ़िया आवास दिया जाएगा। चंपाई सोरेन का बयान, बोले हमने फैसला किया है कि 125 यूनिट तक फिर बिजली मुफ्त करेंगे, 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। दिल्ली के नजफगढ़ में एक सैलून में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई, सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो। सैलून में बाल कटवाने आए सोनू और आशीष पर 2 युवकों ने किया हमला, सैलून में घुसकर पिस्तौल से बरसाई अंधाधुंध गोलियां। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हुए, घायल सोनू और आशीष के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दोनों हमलावरों की तलाश में जुटी, हत्या की वजहों की अभी तक जांच की जा रही है। पुणे के ससुन अस्पताल में लगी आग, लोगों में मची दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और की टक्कर में 4 की मौत और 15 घायल। हैदराबाद में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, पुलिस ने शख्स के पास से 14,50,000 रुपए बरामद किए। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 लोगों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया, एक डिलीवरी बॉय से लूट का आरोप। दिल्ली में ठंड से फिलहाल राहत नहीं, सुबह कई इलाकों में दिखा हल्का कोहरा। दिल्ली में ठंड से जनजीवन बेहाल, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में भड़की हिंसा, राशन आवंटन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग। बंगाल बीजेपी सुकांतो मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, शौंदर्श खाली में फैली अराजकता का मुद्दा भी उठाया। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में आरोपी मैरिस का बॉडीगार्ड गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सरकार की सफाई, देवेंद्र फडणवीस बोले कि आपसी रंजिश में हत्या हुई है, इसे कानून व्यवस्था से जोड़ना गलत। अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सियासत तेज, कांग्रेस ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, कहा मुंबई की कानून व्यवस्था फेल। यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखा लेटर, महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खींचा ध्यान। दिल्ली से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन रवाना, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। मनोज तिवारी ने कहा कि 500 साल बाद प्रभु राम मंदिर में पधारे हैं, दर्शन करने के लिए भक्तों की होड़ लगी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले मनोज तिवारी, 1504 लोग अयोध्या धाम जा रहे हैं। दिल्ली वालों की पानी के बिल की समस्या दूर होगी, सरकार लेकर आई है एक मुश्त जल बिल निपटान योजना। योजना से दिल्ली जल बोर्ड में 1400 करोड़ का भुगतान आएगा, दिल्ली जल मंत्री आतिशी का बयान। पर्थ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात की, इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ के नए डीजीपी की नियुक्ति, प्रवीर रंजन की जगह लेंगे आईपीएस मधु कुमार तिवारी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल, 5 अरब 72 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार अब 622 अरब 46 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट। अंडर 19 T20 विश्व कप का फाइनल कल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी चैंपियन की जंग। बनारी में होगी दोनों टीमों का मैच, अंडर 19 विश्व कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। भारत 5 बार बना है अंडर 19 T20 विश्व कप का चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया 2 बार बना है विजेता। राजकोट में तीसरे टेस्ट से पहले भारत को लग सकता है झटका, श्रेयस अय्यर हो सकते हैं टीम से बाहर। श्रेयस अय्यर 3 टेस्ट में हो सकते हैं बाहर, पीठ में चोट की तकलीफ से जूझ रहे हैं श्रेयस। रविंद्र जडेजा और उनकी फैमिली के बीच रिश्ते खराब, पिता ने किया खराब रिश्ते का खुलासा। पिता अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक घर में कुछ भी ठीक नहीं, रविंद्र की शादी के कुछ महीने बाद ही झगड़े शुरू हो गए। पिता के बयान पर रविंद्र जडेजा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि जडेजा ने सारी बातों को झूठ और बकवास बताया। पृथ्वी शॉ ने 5 महीने से ज्यादा समय के बाद क्रिकेट में लगाया शतक, पृथ्वी ने सिर्फ 1 सेशन में लगाया शतक। चोट के बाद वापसी करते हुए पृथ्वी ने की शानदार बल्लेबाजी, छत्तीसगढ़ के खिलाफ धुआंधार शतक भी जमाया, फर्स्ट क्लास में अपना 13वां शतक लगाया। रणजी ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से उगली आग, राजस्थान के खिलाफ जड़ा शानदार शतक। विराट के पिता वाले बयान से पहले पूर्व अफ्रीकी क्रिकेटर एवी डिविलियर्स विराट को दूसरी बार पिता बनने को लेकर बात की थी। डिविलियर्स का कहना है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने फैंस को विराट अनुष्का के बारे में गलत खबर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं विराट कोहली की तरह खेलूं। रिजवान ने बताया कि सिर्फ औसत खिलाड़ी ही अपने औसत को देखते हैं, कोहली जैसे खिलाड़ी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सीएसके को लेकर दिया बयान, कहा कि गावस्कर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी को बैलेंस साइड बताया। सुनील गावस्कर के मुताबिक सीएसके के पास ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉन्वो जैसे मजबूत ओपनिंग जोड़ी है, सीएसके फिर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी।
जसप्रीत बुमराह को लेकर नमन तिवारी का बयान, कहा कि बुमराह टीम में सभी गेंदबाजों के लिए इंस्पिरेशन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं नमन तिवारी। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर की वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 में धमाकेदार पारी, वार्नर ने 36 गेंदों में 70 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को 11 रनों से हराया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 214 रनों का दिया लक्ष्य, वेस्टइंडीज की टीम 202 रन ही बना सकी। पलेकले में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 42 रन से मात दी, श्रीलंका के पुथम निशंका ने जड़ा दोहरा शतक। निशंका ने 139 गेंदों पर खेली 210 रन की नाबाद पारी, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, ईशान किशन का तोड़ा रिकॉर्ड।